दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी स्टॉक में या बिग प्लेयर नहीं होता है तो वो स्टॉक कभी भी मूव नहीं करता है, सिर्फ कंसोलिडेशन में या फिर वो छोटी मूव में ही रहता है। तो आज हम पता लगाएंगे कि ये बिग प्लेयर का कैसे पता लगाए किसी स्टॉक में एक्टिव है या नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक फाइंड आउट किया है, वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है किसी समय के लिए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार इसमें बिग प्लेयर एक्टिव है या नहीं है। तो मैं आपको आज डेटा की मदद से आपको बताऊंगा कि इसमें आपको आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें बड़े प्लेयर इस स्टॉक में एक्टिव है या नहीं है। और जैसा कि जानते हैं, इसके पहले भी दो एक वॉल्यूम का एक डिलीवरी परसेंट का मैंने आपको वीडियो शेयर किया हुआ है। वो ये तीनों सारे एक दूसरे से लिंक है, आपको अभी सिर्फ समझना है कि होता क्या है। आने वाले समय में जैसे जैसे ये टोटल ख़त्म हो जाएंगे जितने भी चैप्टर है, उसके बाद हम इनको एक्सेल में कैसे आप फिर 5 मिनट में किसी भी स्टॉक में टोटल पता लगा सकते हो, कब ब्रेकआउट देगा, कौन ब्रेकआउट, मान लीजिए ब्रेकआउट दे भी रहा है तो कौन सा प्लेयर दे रहा है, क्या हमें उसमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं, या फिर मान लीजिए पोजीशन आपने बनाई भी तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले समय में मिलेंगे, पर उनके पहले ही आपको रीड करना सीखना पड़ेगा। और हम अभी सिर्फ रीडिंग के हिसाब से ये सारे वीडियो डाल रहे हैं, तो आप पहले पढ़ते सीखिए कि इनको आसानी से कैसे रीड किया जाता है। तो इसमें आज जो मैं बताऊंगा, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में बड़ा प्लेयर एक्टिव है या नहीं है, इसका पता आसानी से लगा पाएंगे। जैसे कि इस केस में हमारे पास है टाटा स्टील। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है ये। अब मान लीजिए कि इसमें कैसे पता लगा है कि मान यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये रियल ब्रेकआउट होगा या नहीं, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। वो पहले के दो वीडियो, वॉल्यूम वाला, डिलीवरी परसेंट वाला, और ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। जब तक आप तीनों को नहीं समझोगे कोई भी मतलब नहीं, आप कितना भी कुछ भी समझ लो, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए कि ये कैसे है, अब जैसे कि ये टाटा स्टील है, अब इसमें कैसे पता करें कि यार इसमें बड़ा प्लेयर एक्टिव है या नहीं है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, पहले जहाँ पे रिपोर्ट हमने निकाली वहीं पे जाना, ऑल रिपोर्ट में, और वही सेक्शन में वापस जाना है। और यहाँ पे जैसे टाटा स्टील डाल लिया है, ये हमें एक महीने का, ये मान लीजिए कि एक महीने से कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि यार इसमें बड़ा प्लेयर एक्टिव है या नहीं। तो दोस्तों, जब भी अब इसमें आपको हमेशा एक डेटा नहीं लेना पड़ेगा, आपको अब इसमें आपको दो तरीके से देखना होगा। पहला ये नंबर ऑफ ट्रेड, इस पे आप फोकस कीजिए, और दूसरा टर्नओवर। इन दोनों से आपको पता चलेगा कि इसमें बिग प्लेयर एक्टिव है या नहीं है। अब उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको इसको रीड करना है। मान लीजिए कि हमें कोई घर खरीदना है ना, किसी घर की नीलामी हो रही है, या फिर कोई घर है, कोई भी चीज़, मान लीजिए आप कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि उसको एक तरफ है 10 जने मिल के उसको खरीद रहे हैं, दूसरा है कि कोई एक व्यक्ति खरीद रहा है, उसमें वैल्यू किसकी ज़्यादा, ताकत वाली नहीं है जो हम कुश्ती लड़ते हैं, ओरिजिनल वैल्यू किसकी, पैसे की ताकत किसकी ज़्यादा, तो आपको यह पता चलेगा यहाँ से। तो स्वाभाविक है, जो एक जना खरीद रहा है उसके पास ज़्यादा है, मतलब कि वो बहुत सोच समझ के उस पर खरीद रहा है, या फिर जो भी डिसीजन ले रहा है वो परफेक्ट हो, क्योंकि वो इतना खर्च कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ होगा तभी वो इतना पैसा लगा रहा है उसमें, है ना। बस वही फंडा यहाँ पे भी आएगा, लागू होगा। ट्रेडेड ये नंबर ऑफ ट्रेड, ये जब भी कम हो, जैसे कि इस केस में तो खैर कम नहीं हुए हैं, आप जब देखोगे ना जितने भी रोज़ से वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा होगा स्टॉक या किसी रेंज में, तो आपको इनको ध्यान से देखना होगा। इनको देखने के बाद प्लस टर्नओवर देखना है। अब देखना क्या है ये मैं बताता हूँ, कहाँ से आपको पता चलेगा। आपको देखना यह है, इधर कम होने चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड। अभी तक आपने सुना होगा कि सारे यही बोलते हैं कि यार नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा, मतलब कि लोग ज़्यादा एक्टिव आदमी होते हैं, और मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रही है, जितने भी जिन्होंने सिखाया सारे यही बताते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा, मैं नंबर ऑफ ट्रेड वाले वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी वाले की नहीं। तो बहुत से आपको बोलते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड के जो वॉल्यूम रहते हैं वो ज़्यादा, और मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है
और टर्नओवर बढ़ रहा है तो आप उसमें एंट्री ले लीजिए, जबकि वो गलत है। आपको वो स्टॉक देखने हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड तो कम हो रहे हो लेकिन टर्नओवर बढ़ रहा हो। उदाहरण के तौर पे हम इसी को लेते हैं, और मान लीजिए कि ये कम हो रहा, मान लीजिए कि 95,000 है, ये मान लीजिए कि ये कम होता है ना एक पल के लिए, जैसे ये कम है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये 7 करोड़ के समथिंग इसका टर्नओवर रहता है ना, जो भी है ये, है ना, जैसे कि ये 2 करोड़ के समथिंग है, तो ये 7 करोड़ के समथिंग होता, अचानक से 3 के बाद यहाँ 7 आ जाता। अब जैसे ही डेली इसको रिकॉर्ड कैसे करना क्या है, ये तो मैं आने वाले वीडियो में सभी को एक साथ कैसे क्या करना वो बताऊंगा, पर इसमें आप अभी फोकस कीजिए कि इसको रीड सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, वो सीख रहे अभी। अब इसमें मान लीजिए कि ये हो रहा है, कम हुए नंबर ऑफ ट्रेड और इधर टर्नओवर बढ़ा, तो समझ जाइए कि इसमें कोई एक्टिव हो रहा है, कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव हो रहा है। मान लीजिए कि ये कम हो रहे हैं या कम, उससे कोई भी नहीं, जैसे इसमें अब आप इसको अगर चेक करोगे ना तो इसमें कुछ भी ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसमें भी बिल्कुल जो सिंपल सा जो चल रहा है वही चल रहा है, इसमें भी कोई भी ऐसा खास मूवमेंट नहीं हो रही है। जब भी होगा वैसा ही होगा, इसमें धीरे धीरे इधर नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएंगे, इधर से ये टर्नओवर आपका बढ़ता जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है जिसको आप आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में कि उसमें बिग प्लेयर एक्टिव है या नहीं है। आपको न्यूज़ वगैरह इसमें बताया जाता है, वो काफ़ी लेट बताया जाता है, उस हमें जब एंट्री लेनी है जब यहाँ पे एक्चुअल मतलब एक्टिविटी स्टार्ट होती है उस समय हमें एंट्री लेनी है, न कि बाद में या पता चले तब। तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, FNO का अभी हम बात ही नहीं कर रहे हूँ, उसमें उनको इसको फिर आप सब भी एक लाइन में मिला के देखोगे किसी भी स्टॉक का, आप चुटकी में मतलब आपको पता लग जाएगा कि इसमें रियल में क्या हो रहा है। पर आपको पहले रीड करने आसानी से आना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं कि आ रही है वो, उसमें तो क्या है कि पूरा आप कुछ मतलब नहीं है, माइंड पे लोड जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो आप सिंपल तरीके से अभी यही समझिए इनको टोटल को कैसे रीड करना है, क्योंकि इस FNO सेक्शन है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि वो एक बड़ा ख़तरनाक सेक्शन रहता है। फिर क्या है, इनका एक बार टोटल मैं आपको बता दूंगा बढ़िया आसानी से, कोई ज़्यादा उसमें वो भी नहीं रहता है। तो आप फिर क्या किसी भी स्टॉक के बारे में किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बारे के वहाँ पर आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, लंबे समय के लिए ख़रीदना है, कितना ऊपर जाएगा, यहाँ तक कि आपको एक्यूरेट पता रहता है। अगर डेटा अच्छे से रीड करना सीख गए नहीं तो आपको एक्यूरेट पता रहेगा कि कौन सा स्टॉक कितना जाएगा, कब तक रहेगा। तो ये खैर आने वाले समय में हम बात करेंगे, अभी तो खैर ये एक छोटा सा था कि इसमें आपको बता दें कि इस तरीके से आपको रीड करना, याद रखना नंबर ऑफ ट्रेड आपको कम होना चाहिए और टर्नओवर बढ़ता हुआ चाहिए, ना कि नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़ रहे हो और टर्नओवर भी बढ़ रहे हो। वो तो सारे स्टॉक ऐसे बहुत से मिल जाएंगे, उनमें ट्रेडिंग लोगे करोगे मज़ा नहीं आएगा, पैसा हमारा अच्छा खासा बनना चाहिए, वो स्टॉक ढूंढो, तो वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे आपको इस तरीके। अब आप बच्चों के मन में यह क्वेश्चन होगा क्या रेखे कि स्टॉक पे कब इतना चेक करेंगे और क्या करेंगे, तो मैं आने वाले समय में टोटल बताऊंगा, क्योंकि ये पहले रीड हो जाए एक चक्कर, क्योंकि ये आपको सारे लेके चलने पड़ेंगे। आप एक डेटा के बदौलत किसी भी इसमें ट्रेड ले ही नहीं सकते, अगर एक डेटा के डिपेंड पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपका अकाउंट एक ही पल में सारा ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।